Hello everyone, this is lecture number 5th of Biochemistry, 1st semester, course titled Biomolecules. Today we will see what is peptide bonds and after that we will see chemical synthesis of polypeptide chain. So 1st what is peptide bond. A peptide bond is a covalent chemical bond formed by linking the carboxyl group of वन फ्री अमायनो एसिड मोलिक्यूल्स टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है एक कोवलेंट केमिकल बॉन्ड है जो कि कैसे बनता है फॉर्म बाय लिंकिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन फ्री अमानो एसिड मोलिक्यूल्स टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर तो पेप्टाइड बोंड क्या है कोवोलेंट केमिकल बॉन्ड है कोवोलेंड मीन्स कोविलेंट बोंड का मतलब क्या होता है बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म बाई लिंकिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन फ्री अमायनो एसिड मोलिक्यूलो एसिड का कार्बोक्सिलोपना है ठीक है तो ये वाला है फर्स्ट एमोसिड ये वाला फर्स्ट एमोनो एसिड है और ये है सेकेंड अमाइनो एसिड ठीक है तो दोनों का एक का कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और दूसरे का एन टू यानी कि अमाइनो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है पैप्टाइड बोन बॉन्ड फॉर्म होने में ठीक है तो यहाँ पे दे रखा है डाइपेप्टाइड तो पेप्टाइड फॉर्मेशन हम देखते हैं कि कैसे बनता है पेप्टाइड ठीक है तो अभी कहा था ये फर्स्ट एमाइनो एसिड है ठीक है और ये सेकेंड एमो एसिड है तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकेंड का अमाइनो ग्रुप पार्टिसिपेट करता है पेप्टाइड बोन फॉर्मेशन में तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि इसमें वाटर का लॉस होता है यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है ठीक है तो कहाँ से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल तो देखते हैं ये वाला ओ एच OH, कार्बोक्सिल का एक ओ OH एच और अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन मिला के क्या बनाता है एक एस टू ओ बनाता है और ये वाला एस टू ओ निकल जाता है ठीक है तो बचा क्या इतना सा इतना वाला पार्ट ये ये और ठीक है तो ये वाला वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है और यहां पे ये दो अमेनो एसिड जुड़ जाता है तो यहां पे देख सकते हैं ये यहां तक का सिर्फ एनएच है और यहाँ का सिर्फ सीओ है तो ये सी और एन के बीच में एक जो बॉन्ड बन रहा है यानी कि ये वाला सी और इस एन के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है तो वही बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है तो इसमें डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड मींस इसमें दो अमाइनो एसिड है ठीक है एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अमाइनो एसिड्स और रेजिडियो में फर्क क्या होता है अमाइनो एसिड्स कब बोलते हैं अमाइनो एसिड जब बोलते हैं जबकि वो सिंगल आ, फ्री यूनिट फ्री हो अलग हो ठीक है फ्री हो फ्री अमाइनो एसिड यानी कि पेप्टाइड में लिंक नहीं हो तब हम क्या क्या कहेंगे उससे अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड में आ, बोन, आ, ए, में लिंक होगा एसिड तब हम उसको क्या कहेंगे रेजिडियो कहेंगे ठीक है ये वाला चीज याद रखना रेजिडियो ठीक है तो ये वाला क्या हुआ ये फ्री है इसीलिए अमाइनो एसिड अब यहां पे हम क्या कहेंगे इसको रेजिडियो अमाइनो एसिड रेजिडियो कहेंगे ठीक है अब हम देखते हैं ऑफ पेप्टाइड बोन पेप्टाइड बोन का कुछ फीचर्स देखते हैं फर्स्ट है पेप्टाइड ए पार्शियल डबल कैरेक्टर यानी कि पेप्टाइड बोन क्या दिखाता है पार्शियल मीन फुली नहीं सम वट डबल बोन कैरेक्टर दिखाता है कितना अराउंड फोर्टी परसेंट इज इट इज शोटर देन सिंगल बोन्ड क्यों क्या होता है कि पार्शियल डबल बोन होने की वजह से ये बोन्ड ये जो पेप्टाइड बोन कौन सा है ये वाला है ना ये शॉर्ट होता है किससे डबल सिंगल बोन से शॉर्ट होता है मान इतना सिंगल बोन मान लो इतना है ठीक है तो पार्शियल डबल बोन का लेंथ कितना होगा इन दोनों के बीच में होगा पार्शियल बोन कैसे दिखाता है ऐसे दिखाता है डॉट 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 करके ठीक है तो सिंगल बोन्ड से तो शॉर्टर है पर प्योर डबल बोन्ड से वो थोड़ा बड़ा होता है ठीक है तो सेकंड mm, क्या है पेप्टाइड बोन्स आर रिजिट एंड प्लेनर रिजिट मींस दे आर सॉलिड इन यानी कि वो एक रिजिट स्ट्रक्चर यानी कि उसका शेप चेंज नहीं कर सकते रिजिट है. है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है एंड प्लेनर प्लेनर मींस एक सिंगल प्लेन में दे फो प्रिवेंट रोटेशन एट सी एन सी एंड कौन सा है ये यह यहाँ पे सी एनड जो बॉन्ड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसमें रोटेशन नहीं हो सकता यानी कि ये इस यहाँ इस एक्सिस पे इस एक्सिस पे ये वाला घूम नहीं घुमा नहीं सकता है ठीक है एंड द स्टेबिलाईज द प्रोटीन स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है एक प्रॉपर शेप होता है वो किस वजह से आता है प्रोटीन में इस रिजिट एंड प्लेनर नेचर की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड का रिजिट और प्लेनर नेचर की वजह से एक प्रोटीन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है स्टेबलाइज़ करता है ठीक है प्लेनर का मतलब क्या है कि ये वाला जो भी आ, एटम्स पार्टिसिपेट कर रहा है फोर्म फोर्म, में, तो ये वाला पूरा एक प्लेन में होगा तो यहाँ पे देख सकते है ये वाला पूरा एक प्लेन में होगा यानी कि एक सिंगल प्लेन में होगा ठीक है रिजिट मीन ये रोटेट नहीं कर सकते इस एक्सिस पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है जबकि यहां और यहां यहाँ यहाँ रोटेशन पॉसिबल होता है ठीक है पर यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है तो अभी हमने कहा था पार्शियल डबल बोन होता है पेप्टाइड बोन में कैरेक्टर होता है वो कहां से आता है किस वजह से आता है रेजोनेंस की वजह से आता है रेजोनेंस क्या होता है रेजोनेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू मूव इट्स पाए इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम रेजोनेंस क्या होता है एबिलिटी ऑफ एक सिस्टम का एक एबिलिटी होता है जिससे क्या होता है कि वो अपना पाए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं पाए इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ डबल बॉन्ड में एक ये ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है एक तो सिकमा होता है एक पाए होता है तो ये वाला जो भी इसमें बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होगा ये वाला मूव कर सकते हैं तो हम इस केस में देखते हैं तो ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे है अमाइनो एसिड के ऊपर एक दो एक लोन पेयर है लोन पेयर मीन्स एक, एक, एक दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ आता है यहाँ आके क्या बना रहा है डबल बोन बना रहा है तो ये कार्बोन चार से ज्यादा बोन्ड नहीं बना सकते तो ये वाला बोन्ड कहाँ जाएगा इसके ऊपर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर यानी कि हम देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर आया हुआ है ठीक है पर ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ सकता है और फिर से ये वाला बॉन्ड यहाँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर सकते हैं यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम कह सकते हैं पाए इलेक्ट्रॉन्स और मूव करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर ठीक है पहले ये पहले नाइट्रोजन से यहाँ आया यहाँ से यहाँ फिर बाद में ये यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ ठीक है आप देखते हैं केमिकल सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड हम केमिकली पॉलीपेप्टाइड चेन को कैसे ब कैसे बना सकते हैं ठीक है इसमें मेजरली थ्री मेथड्स आता है फर्स्ट है क्लासिकल मेथड फिर सोल्यूशन फेस सिंथेसिस थर्ड है सॉलिड फेस सिंथेसिस क्लासिकल मेथड सबसे पहले पहले uh, सबसे शुरू में जब पे पोलीपेप्टाइड चेंज बनाया था वो वाला मेथड है ठीक है सॉल्यूशन फेस सिंथेसिस बाद में आया था क्यों इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन में पेप्टाइड चेन को बनाते हैं ठीक है इसीलिए सॉल्यूशन फेस सिंथेसिस का है लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉलिड फेस सिंथेसिस इसमें क्या करते हैं हम एक सॉलिड फे सॉलिड यूज करते हैं उसके ऊपर हम पेप्टाइड बनाते हैं पोली बनाते हैं ठीक है तो क्लासिकल में देखते हैं अमाइनो एसिड्स लिंक विया पेप्टाइड लिंकेज लॉस ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर ये हमने देखा है सेकेंड क्या है वेरी डिफिकल्ट ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है डिफिकल्ट होता है पैप्टाइड uh, चेन बनाना क्लासिकल मेथड के थ्रू ठीक है क्योंकि ये बहुत एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक मींस इसमें हीट या तो एनर्जी लगता है तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो इसरा कि इसमें uh, लो इल्ट लो इल्ट मीन्स जो भी हमें पेप्टाइड मिलता है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है बहुत ही लेस अमाउंट में मिलता है तो इसीलिए लो इल्ट है तो लास्ट है डज नॉट टेक प्लेस इजिली हमने कहा था कि ये इजीली नहीं होता है ये uh, बहुत ही मुश्किल मेथड है ठीक है तो सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस में क्या है कि यूज़ फॉर स्मॉल पेप्टाइड सिंथेसिस सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस यूजुअली यूज करते हैं स्मॉल पेप्टाइड चेन बनाने के लिए ठीक है पर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है पर इसमें क्या है कि प्यूरिफिकेशन हो सकता है हर एक स्टेप के बाद ये रिलेटिवली चीप है सस्ता है एक सस्ता मेथड है ठीक है और एक लार्ज लार्ज स्केल पे कराया जाता है तो थर्ड मेथड है सॉलिड फेस सिंथेसिस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कॉमनली यूज भी है आजकल यही यूज कर रहे हैं पेप्टाइड बनाने के लिए तो इसमें क्या करते हैं हम एक सॉलिड फेस लेते हैं एक सॉलिड सबस्ट्रेट uh, या सॉलिड बेस लेके चलते हैं उसके ऊपर हम पेप्टाइड बनाते हैं तो हम uh, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है तो फिर हम यही डिस्कस करेंगे ठीक है तो सॉलिड फेस पेप्टाइट सिंथिस सॉलिड फेस पेप्टाइट सिंथिस क्लासिकल फ़ेस हैज़ लॉस ऑफ ड्रॉबैक्स हमने देखा था क्लासिकल फेज में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे तो इसीलिए सॉलिड फेज सिंथेसिस इज प्रिफर्ड तो इसीलिए सॉलिड फेज प्रीफर करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप स्ट्रेटजीज आर यूज इसमें क्या करते हैं हम एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं वो आगे हम जब हम स्टेप वाइज देखेंगे तब देखते हैं यह मेथड किसने डिस्कवर किया था आरबी मैरीफिल्ड रॉबर्ट ब्रूस मेरीफिल्ड ने 1962 में डिस्कवर किया था उसने क्या किया ही यूजिंग सॉलिड उसने क्या किया एक पॉलिस्टेरिन एक केमिकल होता है एक पॉलीमर होता है स्टेरिन का पॉलीमर होता है स्टेरिन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है उसका पॉलीमर होता है उसके ऊपर एज ए सपोर्ट लेके बनाते हैं उसने बनाया था वैसे भी बनाते हैं तो इसमें क्या होता है रिपीटेड साइकिल्स ऑफ अल्टरनेट एन टर्मिनल डिप्रोटेक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन इसमें क्या होता है ये वाला डिप्रोटेक्शन और कपलिंग रिएक्शन ये अल्टरनेट इसी का साइकिल करते रहते हैं मतलब पहले डिप्रोटेक्शन कपलिंग फिर डिप्रोटेक्शन कपलिंग डिप्रोटेक्शन कपलिंग करते रहते हैं ऐसे हम चेन बनाते जाते हैं ठीक है तो हम देखते हैं स्टेप वाइज देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ एन टू ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड तो हम क्या हमने क्या कहा था सबसे पहले हम एसिड लेते हैं यह वाला जो रेड कलर में दे रखा है वो क्या है अमाइनो एसिड है फर्स्ट अमाइनो एसिड उसके साथ हम क्या लगाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनएस उसका एनएसू ग्रुप यहाँ पे एन होता है ये जुड़ा हुआ है ये अमाइनो ग्रुप के ऊपर हम एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या हो सकता है टी बोक एफ मोक एग्जाम्पल्स हैं तो हम क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ फर्स्ट अमाइनो एसिड का आ, जो अमाइनो ग्रुप होता है उसके साथ लगाते हैं ठीक है स्टेप टू में हम क्या करते हैं स्टेप वन हो गया स्टेप टू में हम क्या करते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप अमाइनो एसिड हम जिसके साथ हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया था वो उसका अटैचमेंट करवाता है पॉलीमर के साथ पोलीमर यानी कि वही जो हमने सॉलिड फेस यानी कि सॉलिड सपोर्ट जो हमने लिया ये क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं सॉलिड फेस में पढ़ रहे हैं है, तो ये वाला है सॉलिड सपोर्ट ठीक है ये वाला सॉलिड सपोर्ट है तो ये है पॉलीमर पॉलीमर वैसे डायग्राम उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इजी करने के लिए अब एक सर्कल और एक लास्ट वाला ग्रुप दे रख रह, दिखा रखा है ठीक है तो ये वाला अमाइनो एसिड विथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इसके साथ हम जो आ, इसके साथ हम क्या करते हैं आ, कब्लिंग करते हैं यानी कि लाइगेट करते हैं इनको जोड़ते हैं ठीक है तो जोड़ने के बाद जोड़ते हैं ये, देखो. NH2 है, ये, ये वाला यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और यहां से एक ओ OH एच गया मतलब क्या गया यहाँ से एच टू गया एच टू माइनस एच टू ठीक है एक एच टू जाने के बाद हमने ये इन दोनों को लाइगेट कर दिया कपलिंग कर दिया यानी कि जोड़ दिया हमने इन दोनों को ठीक है इसके बाद क्या हुआ अब हमारे सॉलिड सपोर्ट के साथ फर्स्ट एमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है अब आगे हमें क्या करना है अब नेक्स्ट एमाइनो एसिड को लगाते जाना है लगाते जाना है ताकि हमारा हमें क्या मिले एक पूरा चेन मिले पॉलीपेप्टाइड का ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डी प्रोटेक्शन ऑफ एन ग्रुप NH2 group पहले था, अब उसी को 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 करना है, यानी कि कैसे हैं? हैं, हैं। सीधा हटा हटा देते देते ये ये वाला वाला हटा तो हटाने के बाद यहाँ पे क्या रह गया एनएस टू ठीक है अब स्टेप फोर में क्या करते हैं हम अब नेक्स्ट अमाइनो एसिड आना चाहिए ठीक है अब कपलिंग ऑफ सेकेंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप एमायनोसिड अमायनो एसिड के साथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है ठीक है उसका कपलिंग किसके साथ करता है पॉलीमर पॉलीमर बाउंड एसिड के साथ पोलीमर एसिड जो हमने आ, जोड़ के रखा है उसके साथ क्या जुड़ाते हैं उसके साथ क्या कपलिंग करते हैं सेकेंड एसिड ठीक है acid, तो ये वाला क्या है सेकेंड एमोनो एसिड विथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप और ये वाला फर्स्ट एसिड विथ पॉलीमर ठीक है तो इन दोनों का हम लाइगेशन करते हैं कपलिंग करते हैं तो फिर हमें क्या मिला बीट ये तो पहले सॉलिड सपोर्ट और ये वाला फर्स्ट एसिड और ये वाला हमें क्या मिला सेकेंड एसिड ठीक है तो डाइपेप्टाइड बन गया यहाँ पे डाइपेप्टाइड मींस दो एमोनो एसिड का एक चेन बन गया ठीक है फिफ्थ स्टेप क्या है अब हमें क्या करना है फिर से जी प्रोटेक्शन करना है एनएच टू का जो सेकेंड सेकंड एसिड है उसका डिप्रोटेक्शन करना है एमायनो ग्रुप मतलब इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम, हमें सेकेंड एसिड से हटाना है तो फिर हमने डिप्रोटेक्शन कर दिया यहाँ से हट गया ठीक है अब अगर हमें क्या अगर हमें इससे भी यहाँ तो कितना बना डाई ही बना ठीक है अगर हमें इससे भी लंबा चेन चाहिए तो हम स्टेप सिक्स में क्या करेंगे फोर्थ और फिफ्थ रिपीट करेंगे ठीक है फोर्थ और फिफ्थ रिपीट करेंगे इफ हायर पेप्टाइड इज रिक्वायर्ड ठीक है इसी को लेके इस इसको फोर्थ और फिफ्थ रिपीट करेंगे और फर्दर कपलिंग और डीप्रोटेक्शन साइकिल इसी का साइकिल करते रहेंगे ठीक है अब लास्ट स्टेप में क्या है अब हमारा हमें मिल गया जितना हमने बना दिया जितना भी हमारा डिज़ायर्ड चेन था उसके बाद क्या करते रिमूवल ऑफ पॉलीमर टू फ्री पॉलीपेप्टाइड अब हमें क्या करना है इस बीट को इस पॉलीपेप्टाइड चेन से अलग करना है इन दोनों को बिल्कुल ही अलग करना है तो हमने लास्ट स्टेप में क्या किया क्लीवेज किया क्लीवेज करने के बाद हमें डाइपेप्टाइड मिल गया हमारे केस में तो ये बीट अलग हो गया ठीक है बीट और ये वाला अलग हो गया तो हमें मिल गया लास्ट में अपना डाइपेप्टाइड चेन मिल गया वैसे हम बहुत सारे लंबे चेन भी बना सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे देखते हैं एक ओवरऑल कंक्लूजन देखते हैं तो क्या है ये वाला क्या है पॉलीमर सपोर्ट है और ये वाला क्या है फर्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो इन दोनों का कपलिंग करके हमें क्या मिला है ये मिला है ठीक है अब इसी का प्रोटेक्शन करना है प्रोटेक्शन मीन्स इसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाना है ठीक है तो यहाँ पे हटा दिया हमने अब इसी का क्या करना है फिर सेकेंड एसिड के साथ कंबाइन करना है इन दोनों को क्या हुआ इन दोनों का अ, अ, एक कपलिंग करने के बाद हमें क्या मिला पॉलीमर विथ पॉलीमर के साथ हमारा दोनों अमाइनो एसिड अटैच है यानी कि यहाँ पे एक पेप्टाइट बॉन्ड बन गया ठीक है अब फिर से क्या करना है डीप्रोटेक्शन करना है डीप्रोटेक्शन यानी कि इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को सेकेंड अमाइनो एसिड से हटाना है तो यहाँ हटा दिया हमने अगर हमें फर्दर कपलिंग फर्दर लंबा चेन चाहिए तो फिर क्या करते हैं हम इस कपलिंग और डिप्रोटेक्शन को कंटिन्यूस करते रहते हैं ताकि हमारा पूरा एक लंबा चेन बन जाए ठीक है लास्ट में हम क्या करते हैं क्लीवेज करते हैं क्लीवेज मीन्स इस पॉलीमर को हमें इस सॉलिड सौल, सपोर्ट को इससे पेप्टाइड चेन से अलग करना है तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा हमारा अपना डिज़ायर पेप्टाइड चेन मिल जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सिक्वेंस अमाइनो एसिड सिक्वेंस ऑफ पोलीपैप्टाइचेंट पोलीपैप्टाइचेंट क्या होता है पूरा एक पूरा चेन होता है जिसमें बहुत सारा अमाइनो एसिड्स जुड़ा हुआ होता है ठीक है तो हमें आ, कैसे हम कैसे पता करें कि अमाइनो एसिड्स कौन कौन से है इस पे कौन सा 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 है नेक्स्ट क्या कौन, कौन सा है नेक्स्ट कौन सा अमाइनो एसिड है तो ये कैसे पता करें वो देखते हैं आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में